हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपसे नए टॉपिक पे चर्चा करूंगा, वो है ब्रेस्ट पेन। दोस्तों, ब्रेस्ट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेडीज़ के अंदर क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन कितना अच्छा वर्क करती है इस ब्रेस्ट पेन के अंदर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट पेन को मेस्टाल्जिया भी बोला जाता है, यानी लेडीज के अंदर ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट के अंदर दर्द होता है, वो लोकलाइज पेन भी हो सकता है या आपको रेडिएटिंग पेन भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के अंदर कभी किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, कभी किसी पार्ट में, कभी राइट में या कभी लेफ्ट में, इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो दोस्तों, लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा 90% लेडीज अपने लाइफ साइकिल के अंदर कभी ना कभी ब्रेस्ट पेन से फेस जरूर करती है, और जैसे ही ब्रेस्ट पेन का नाम आता है उसके दिमाग में जो चीज़ आती है, जो टारगेट आता है कि कहीं ना कहीं मेरा दर्द कैंसर तो नहीं है। तो इसमें डरने की किसी तरीके की आवश्यकता नहीं रहती है। जब आपके ब्रेस्ट पेन होता है तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट के अंदर किसी तरीके की कोई गांठ या ट्यूमर तो नहीं बनी हुई है। अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो उसके बड़े काफ़ी सारी तरीके के कारण होते हैं, वो कारणों पर भी अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भी पेन होता है दोस्तों, मेनली जो है हार्मोन चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर, जैसे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उससे पहले, आगे पीछे, या जैसे ही लेडीज के अंदर मेनोपॉज आता है या मासिक धर्म बंद होने वाली स्टेज आती है, उससे पहले उसके दौरान भी ये चीजें देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसी लेडीज जो हार्मोन पिल्स यूज करती है या किसी तरीके की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करती हैं, उनके अंदर भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यानी ब्रेस्ट पेन को। अब अपन बात करते हैं कि ब्रेस्ट पेन के ज़्यादातर मैक्सिमम जो कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे जो लैक्टेटिंग मदर या प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे, छोटे बच्चे जिनके होते हैं, उनके अंदर होता है कि इंजरी की वजह से कई बार पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी किसी तरीके की कोई इंजरी, बच्चा सिर से चोट मार देता है या किसी तरीके की कोई ब्रेस्ट के ऊपर चोट लग जाती है, उससे भी ब्रेस्ट पेन आपको हो सकता है। सेकेंड होता है लैक्टेटिंग जो मदर्स होती है, उनके अंदर बच्चा अच्छी तरीके से अगर फीड नहीं कर पाता या ब्रेस्ट के अंदर मिल्क को सक नहीं कर पाता, तो वो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क जमा होने से, कंसोलिडेशन होने की वजह से भी ब्रेस्ट पेन आपको हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद में काफ़ी तरीके के कारण आ सकते हैं। आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई किसी तरीके की कोई सिस्ट या फाइब्रोएडिनोमा या एब्सेस होता है, उसकी वजह से भी आपको पेन फील हो सकता है। कुछ जो चीज़ें होती हैं कि ब्रेस्ट से रिलेटेड जो होती है, आपकी मांसपेशियों या इसके अंदर आपका जो पसलियों का जॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर भी कई बार दिक्कत रहने लग जाती है, तो भी आपको फील होता है ब्रेस्ट के अंदर पेन। दोस्तों, बहुत कम जैसे रेयर केस होते हैं कि आपको एंजाइना पेक्टोरिस या जिसको हार्ट का दर्द बोलते हैं, वो भी लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर आपको फील हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता होती है कि ये चीज़ें इस तरह से रिलेटेड करती हैं कि नहीं करती हैं। वो टोटली डिपेंड करता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर, यानी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको इस चीज़ों के बारे में पूरा क्लियर कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, नॉर्मली समझने की बातें हैं कि आपको ब्रेस्ट पेन किन किन कारणों की वजह से होती हैं। हार्मोन पिल्स यूज़ करती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं उनके बॉडी में लेने की, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान भी आपको जो अगर पेन अगर महसूस होता है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श करके उन चीज़ों को स्टॉप किया जा सकता है। आप दोस्तों बात कर सकते हैं कि किस चीज़ से इसको मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मली आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, या कुछ जो चीज़ें होती है अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो इसमें खास बात ध्यान रखने की होती है कि जो भी लेडीज़ या औरतें होती है, इनर फिट्स को चेंज करके भी इस पेन से राहत पा सकती हैं, यानी कि अगर आपकी इनर फिट्स लूज़ हैं तो उसको टाइट किया जा सकता है, या टाइट है तो उसको थोड़ा लूज़ या लूज़ को टाइट, इस तरीके से चेंज करके उसके अंदर राहत पा सकते हैं। दूसरा आता है कि इसके अंदर आप हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन दोनों तरीके के किया जा सकते हैं, दोनों से ही लेडीज़ के अंदर राहत मिल सकती है। या फिर उस पार्ट की जेंटली बहुत ही नाजुक तरीके से मसाज करने से भी इसके अंदर रिलीफ मिलती है। खान पान के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से भी ब्रेस्ट पेन के अंदर राहत पा सकते हैं। उनमें है ज़्यादा साल्टी चीज़ें खाने से या फैट्स वाली चीज़ें खाने से, कॉफ़ी है जो है, चाय है, इन चीज़ों को अवॉइड करने से भी काफ़ी हद तक रिलीफ आप पा सकते हैं ब्रेस्ट पेन के अंदर। दोस्तों, इसके साथ में अगर आप हार्मोन थेरेपी, मैंने बताया कि हार्मोन्स ले रहे हैं या किसी तरीके की कोई हार्मोन से रिलेटेड टेबलेट्स चल रही हैं, तो उनको भी आप डॉक्टर से परामर्श करके इस चीज़ से राहत पा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेस्ट पेन के अंदर एक्सीलेंट रिजल्ट देती है अगर आपने ये एग्जामिन कर लिया है कि आपको किसी तरीके की लंप या किसी तरीके का ब्रेस्ट के अंदर नोड्यूल्स तो नहीं बने हुए हैं। तो ये जो नॉर्मल पेन होता है किसी तरीके का, कई अलग अलग तरीके का पेन मैंने आपको बताया कि लोकलाइज पेन भी हो सकता है, पल्सेटिंग एकदम से चबकने वाला ये घोंप रहा हो उस तरीके का दर्द होता है, या किसी तरीके के वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, उनके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत ही नेचुरल तरीके से वर्क करती है और आसानी से इस चीज़ को ठीक कर सकती है। यानी अगर लैक्टेटिंग मदर है या प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरीके का पेन हो रहा है तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल सेफ रहती हैं लेडीज़ के लिए, उनको आसानी से यूज़ किया जा सकता है और आपको इस पेन से राहत दे सकती हैं। अब सबसे जो टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों बेलाडोना 30 उन केसेज में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जहाँ पर ब्रेस्ट के अंदर आपको स्वेलिंग नज़र आती हो, पेन नज़र आता हो और रेडनेस के साथ में इन्फ्लामेशन अगर सूजन इनिशियली स्टार्ट हुई हो, उन केसेज में बेहतर वर्क करती है बेलाडोना 30 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेने से तुरंत राहत देती है ब्रेस्ट पेन के अंदर। सेकेंड जो दोस्तों मेडिसिन आती है ब्रेस्ट पेन के लिए वो है ब्रायनिया एल्बा 30 उन केसेज में या लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर अच्छा वर्क करती है जिनके अंदर मैंने बताया कि बच्चा फीड पूरा प्रॉपर नहीं कर पाता है और मिल्क उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर बच जाता है और वो थोड़ा हार्ड होने लग जाता है, उसकी वजह से अगर पेन रहने लग जाता हो लेडीज के अंदर तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है ब्रायनिया 30 की भी 10-10 बूंद आधे कप पानी में बिल्कुल सेफ तरीके से इसको दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है और आराम से इसमें राहत देती है। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है जो आपके ब्रेस्ट के अंदर पेन के लिए वो आती है फाइटोलका उन केसेज के अंदर जहाँ पर आपको कहीं हार्ड तरीके की किसी तरीके की स्ट्रक्चर या नोडूल्स जैसा अगर महसूस हो रहा हो तो उन केसेज में बेहतर वर्क करती है फाइटोलका डिकेंड्रा की 30 पोटेंसी के अंदर 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेने से उन केसेज में राहत मिल सकती है। दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती है पल्सेटिला उन केसेज में वर्क करती है टीनएजर्स जो बच्चियाँ होती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है या औरतें जिनको होती है उनके अंदर अगर पेन कभी कहाँ महसूस होता है, कभी राइट में महसूस हो रहा है कभी लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि लोकलाइज पेन नहीं होता है, ब्रेस्ट की एक ब्रेस्ट के अंदर भी जगह जगह चेंज करता रहता है, ऐसे पेन के अंदर पल्सेटिला 30 पावर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती है हीपरसल्फ 30 उन केसेज में वर्क करती है जहाँ पर ब्रेस्ट को बिल्कुल हल्का सा टच करने से सीवियर पेन महसूस होता है और पेन इस तरीके का होता है जैसे कोई फोड़ा या फुंसी में दर्द होता है, पल्सेटिंग पेन बिल्कुल चबके मारने वाला रह रह के अगर दर्द होता हो उन केसेज में बहुत ही अच्छा वर्क करती है हीपरसल्फ 30 की दोस्तों 10-10 बूंद आधा कप पानी के अंदर दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है और आसानी से जो कॉमन जो ब्रेस्ट के पेन होते हैं उनसे राहत पा सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।